खबर है उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर तालाब की गंदगी से ग्रामीण परेशान। जहां भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहा है, वहीं रुड़की ब्लॉक क्षेत्र के रतनपुर गांव में तालाब के गंदे पानी को लेकर ग्राम वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गांव में तालाब की सफाई नहीं होने से तालाब पूरी तरह गंदगी में और फूस झाड़ियों से अटा हुआ पड़ा है, जिसके चलते हल्की सी बरसात होने पर ही तालाब का गंदा पानी उल्टा ही घरों की नालियों की ओर बहने लगता है और घरों में घुस जाता है। सड़कें भी तालाब में तब्दील हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा तालाब पर कब्जा करने की नियत से तालाब के किनारे पर भारी मिट्टी का भराव कर दिया है, जिससे पानी निकलने वाला रास्ता मिट्टी से बंद हो गया है और पानी सड़कों और घरों में घुस रहा है। ग्रामीणों का कहना है, हमने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की है, मगर आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या संबंधित विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिला पाएंगे या नहीं। यह तो आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा है। रुड़की से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। मैं मुसरत बोल रहा हूँ रतनपुर से। हमारा जो तालाब है वो पूरी तरह से अट गया है घास कचरे से। सड़कों पर गांव में पानी निकल आया है, घरों में पानी घुस रहा है, दिक्कत आ रही है, गंदगी फैल रही है, मच्छर लग रहा है। और मेरी गुजारिश है प्रशासन से, अधिकारी लोगों से, इस पे गौर दो और हमें एक नाले की समस्या है उसमें नाला निकाले। मैं मेहरबान रतनपुर से। हमारे गांव में जो तालाब है वह पूरी तरह से आड़ दिया गया है, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर वह नालियों में भर गया है और घरों में वापस जा रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायत भी कर चुका हूँ, पर कोई अधिकारी इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि इसकी खुदाई भी की जाए और जितना इसका रकबा है उतना ही खुदवाया जाए। इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की।